हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण से। दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। पादप जगत का वर्गीकरण से ये तीसरा पार्ट है और जीव विज्ञान का चौथा पार्ट है। देखिये, पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दोस्तों, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के एग्जाम की या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं यदि साइंस का पोर्शन अच्छा पूछा जाता है। यानी कि अगर साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन यदि आपके पूछे जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। ईस्ट में काई की जनन होता है, क्वेश्चन है यहाँ पर, ईस्ट में काय की जनन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है मुकुलन द्वारा, ठीक है। ईस्ट में काय की जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो ये है एगिरिक्स, ठीक है, एगिरिक्स ये खाने योग्य कवक है। LSD किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन है, LSD किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों, ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेपेटोमाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेपेटोमाइसिस के द्वारा। स्ट्रेपेटोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो देखिए, इसका सही आंसर है बॉक्समैन ने। किसने? बॉक्समैन ने। स्ट्रेपेटोमाइसिन को किसने पृथक किया? बॉक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टिक्का रोग ये संबंधित है मूंगफली से, ठीक है दोस्तों, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के सेट पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं जरूर। सही आंसर है कवक द्वारा, ठीक है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो देखिए, कस कर ठसा ठस भरे कवक जाल, ये होते हैं सामान्य खाद छात्रक। मशरूम क्या है? देखिए, क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो सही आंसर इसका कवक। ध्यान रखिएगा, मशरूम क्या होता है? एक प्रकार का कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका पेनिसिलिन। ध्यान रखिएगा, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? देखिए, IAS 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा गया है आपसे? एथलीट फूट बीमारी नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए, इसके ऊपर के क्वेश्चन भी SSC में पूछे गए हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, इसका नाम है माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा ये एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अफ्लाटॉक्सिन है, क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन है, तो कवक द्वारा उत्पन्न विष है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम, अफ्लाटॉक्सिन क्या है? ये कवक द्वारा उत्पन्न विष। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सैकरोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं ये? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शैवाल एवं कवक के। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषण
प्रदूषण एक जैव सूचक है, तो सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के एक जैव सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, लिटमस किस में से निकाला जाता है। क्वेश्चन है लिटमस किस में से निकाला जाता है, तो सही आंसर है लाइकेन से। ठीक है दोस्तों, लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है लाइकेन में कवक तथा शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो ये कहलाता है हेलोटिज्म। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं कार्टिकोलस। ठीक है, कार्टिकोलस बोला जाता है उन लाइकेन को जो पेड़ की छाल पर उगते हैं। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स। ठीक है, सेक्सिकोल्स कहते हैं इनको, जो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? क्वेश्चन है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इसका सही आंसर है इंडोकार्पन। इंडोकार्पन, ठीक है, जापान में लोग इस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर है परमेलिया। परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है मिर्गी की औषधि। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर कहते हैं, यानी कि उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी उभयचर कहते हैं, तो इसका नाम है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत में उभयचर कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। क्वेश्चन है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, तो देखिए लिवरवर्ट एवं मॉस। लिवरवर्ट एवं मॉस ये दोनों ही ब्रायोफाइट्स में संबंधित हैं, में सम्मिलित हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? क्वेश्चन है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है, तो सही आंसर है इसका टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। एजोला है एक, क्वेश्चन है एजोला है एक, देखिए इंपॉर्टेंट है ये नाम एजोला, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जलीय फर्न है ये। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? क्वेश्चन है आपका पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, तो इसको कहते हैं सिलेजिनेल। ठीक है, सिलेजिनेल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो सही आंसर है लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है एजोला। और एजोला क्या होता है? एक जलीय फर्न होता है, अभी हमने पढ़ा भी था। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि भाई किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, या लिखना भूल गए हम, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी से लेकर रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी टेरिडोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों पर बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? क्वेश्चन है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं संसार के सबसे लंबे पौधे। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये है आपका चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा इसका राइट आंसर। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं? क्वेश्चन है कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं साइकस में। कहां पर? साइकस में। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि साइकस में।
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबूदाना किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो सही आंसर है साइकस से। ठीक है, देखिए साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। और चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन रेलवे की प्रैक्टिस सेट यदि आप उठा के देखेंगे घटना चक्र के या किसी भी बुक में, तो आपको ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक, गुड्स गार्ड, एएलपी में ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दमा एवं खांसी के रूप में काम आने वाली औषधि जिसका नाम है इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है इफेड्रा। किससे? इफेड्रा। देखिए आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं बीमारी, ठीक है, बीमारी और ये जो औषधि है दोनों ही नाम मिलते जुलते हैं, इफेड्रिन और इफेड्रा से प्राप्त होती है। एक जीवित जीवित जीवाश्म कहलाता है, क्वेश्चन है, एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो इसको बोलते हैं जिनकगो। जिनकगो आरआरबी टीसी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विषाणु क्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, वायरस क्या है? तो देखिए अकोसी है, ठीक है, वायरस क्या होता है? अकोसी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो सही आंसर है जीवाणु विकृति, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो यह है लाइकेन, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन कवर भी किया था कि लाइकेन प्रदूषण के संकेतक होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद, जल्द मिलते हैं जीव विज्ञान के नेक्स्ट वीडियो के साथ।